ये मोदी क्या है? मोदी मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, देश के प्रधानमंत्री को तुम काम कर रहा है, ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये बोल रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए। और इनके पुत्र तो इनसे भी बड़ा नौटंकीबाज है। ये मोदी क्या है? मोदी को मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो, राम रहीम के बंदों में, ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव ये सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से दोषी लोग हैं और ये कभी सनातन के सम्मान नहीं किए, न सनातन के संतानों का, न सनातन के धर्म गुरुओं का, न सनातन के धर्म ग्रंथों का। इनके इशारे पर इनके दल के लोग क्या क्या बोलते रहे। जिस सनातन के सम्मान को देश ही नहीं विश्व में गौरवान्वित किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए, और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुम काम कर रहा है, ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे? अरे जो तुष्टिकरण की राजनीति से अपनी सत्ता का खेला खेला, जो अपनी माई समीकरण का नाम ले ले करके लोगों के बीच उन्माद पैदा किया, जो व्यक्ति समाज को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, लोगों को विधवा बनाने का, युवाओं के रोजगार छीनने का, निवेशकों को भगाने का, वसूली रंगदारी भ्रष्टाचार से अकुश संपत्ति बनाने वाला व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये बोल रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए। और इनके पुत्र तो इनसे भी बड़ा नौटंकीबाज है। वो नेता कभी नहीं हो सकता, वो अभिनेता के नौटंकी के बहाने अभिनेता बनने का प्रयास करते हैं। अभिनेता के लिए भी बहुत साधना की जरूरत पड़ती है,
ये लोग उन्माद पैदा करके जाति के जहर के लहर के कहर से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे।